14 प्रो मैक्स पकड़ रखा। यदि 4K में खेलते हैं बाहर क्या होना है। हाँ ये कटाना है। अब भाजी चलिए पूरा नंबर आ तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस टाइम हो रहा है भाई 6:30 और उठ चुका हूँ सो के, और सो के उठने के बाद भाई मैंने सोचा था, मैंने कल रात बाइक टैंक भी फुल करा लिया था, सीट कवर वगैरह ये सब करा लिया था कि मैं कल निकल लूँगा, बट यार अभी नहीं निकला जा रहा यार, बारिश टूट नहीं रही। ठीक है मैंने 2-3 जगह मालूम करा, मैंने मेरे को नोएडा साइड से जाना है तो मैंने नोएडा में पूछा, मैंने कहा भाई बारिश हो रही है, कह रहा भाई बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। अब यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि जाना तो देखो पड़ेगा, जाना तो मेरे को है, आज नहीं तो कल जाना तो है, बट यार दिक्कत ये आ रही है बारिश की, क्योंकि यार और दूसरी बात ना मेरी बाइक का नंबर आया ना मेरी बाइक की RC आई, तो मैं सोच रहा शोरूम वाले बोल रहे हैं कि भैया अभी 1-2 दिन में आपकी RC और नंबर प्लेट आ जाएगा, हिचकी आ रही है और तो कुछ आ नहीं रहा, तो बोल रहे हैं कि ये सब आ जाएगा, तो मैं सोच रहा यार वो लेके ही चला जाऊँ, इतने बारिश भी थोड़ी शांत हो जाएगी। पर यार ऐसा भी नहीं है कि यार बारिश है तो मैं निकल नहीं सकता। एक बात बताओ, सपोज मैं यहाँ से निकल गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया, आगरा तक पहुँच गया, उससे आगे बारिश हो रही होगी तो क्या मैं जाऊँगा? नहीं जाऊँगा, लेकिन यार थोड़ा सा समझो, बाकी नंबर प्लेट भी अगर जो आ जाती है तो फिर तो भाई दाबम दाब, क्योंकि अगर जो मैं बिना नंबर प्लेट की वहाँ पर दौड़ाने लगा ना तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो इसी वजह से देखते हैं अभी जो भी सीन होगा। फिलहाल तो अभी कुछ खाते पीते हैं और नहा धोके भाई अपना देखते हैं आज कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जिज्जा जी और शैली भी आज जा रहे हैं तो उन्हें भी छोड़ के आना है रेलवे स्टेशन, तो हाँ अभी यही सीन है भाई। चलो जी उन्हें छोड़ के आते हैं पहले, फिर अपना कुछ देखते हैं क्या है, मैं निकलूँगा या नहीं निकलूँगा, जो भी होगा बता देंगे। ये खड़ी अपनी बाइक, अब दिन में दिखेगी भाई टेपिंग, पता लग रहा टेपिंग कहीं हो रही ना पता लग रहा। अरे ये चीज़ बबल आ गई, ये हटवानी पड़ेगी भाई से, वरना ये फैल जाएगी सारे में को। और अभी तो 2-3 दिन बाद ये भी कटिंग करानी है, ये देख लो कैड़ा। चलो जी निकालते हैं बाहर, छोड़ के आते हैं जिज्जा जी को। भाई टैंक पूरा फुल है, अरे उंगली फंस गई, देखो पूरा फुल है, पूरा 432 सर्विस भी करानी है। तो भाई छोड़ दिया जिज्जा जी को और शैली को, और यहाँ आए थे हम, मैं और भैया और बाइक देख लो कैडी। यार अभी बाइक में कराना पड़ेगा 2-3 जगह से भाई, टेपिंग फूल सी रही है, जैसे ये फूल रही, ये कटाना है। तो आज का तो काम बाइक का ही हो गया, जाया तो जब भी नहीं जाने का, बाइक के काम है पहले तो ये, और नंबर प्लेट भी आ जाएगी शायद कल तक बोला मैंने, ये छूट रही है देखो यहाँ से, और इसकी नंबर प्लेट भी आ जाएगी, और बाकी अपना थोड़ा बहुत काम है वो भी करा लेंगे, सर्विस करानी है। तो गाइस जा चुका हूँ भाई शैली को और जिज्जा जी को छोड़ के, और भाई सुबह निकलना था 5:30-6 बजे, तब तो हो रही थी बारिश, और भाई अब हो रहा है भाई 9:30, अब हो रही है धूप, अब निकलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यार धूप में निकलना इतना वो बात अलग है, धूप में ड्राइव कर लेता बट निकलना घर से वेस्ट है, टोटली वेस्ट। और बाइक के अभी यार लेमिनेशन फूल रही है, वो भी चेक करानी है, और इसकी नंबर प्लेट वगैरह आ गई अगर जो अच्छी बात है, वरना फिर सर्विस भी करानी है 500 किलोमीटर वाली, क्योंकि अभी 440 किलोमीटर चल गई और 50-60 किलोमीटर आज चल जाएगी शाम तक, फिर कल को सुबह को सर्विस करा के निकलेंगे, देखेंगे अभी कल भी निकला जाएगा या नहीं निकला जाएगा, नंबर प्लेट ही डिले कर रही है, क्योंकि पहले पता है मेरे RTO से फाइल ही वापस आ गई, कह रहे भैया आधार कार्ड में तुम्हारे ये दिक्कत हो गई वो हो गई, मैंने कहा यार वरना अब तक मेरा नंबर वगैरह सब चीज़ आ जाती, नसीबी खुट्टा कह रहा, देखते हैं अभी जो भी होगा। तो गाइस नहा धो के भाई ऑल सेट, और अभी जाना है मार्केट के 2-4 काम है वो निपटा के आना है, चलेंगे अभी थोड़ी बहुत देर में, पहले कुछ खा पी लूँ है ना। तो गाइस खाना पीना तो खा लिया, अब निकलते हैं मैं और भैया मार्केट, दवाई लेके आएंगे और फ़ोन के कवर वगैरह, तो अभी चलते हैं, चलो आओ। तो गाइस आ चुके हैं भाई दुकान पे, गुरु कृपा होम्योपैथिकल स्टोर, अब यहाँ से लेते हैं दवाई, हाँ दवाई आधी तो ले भी ली थी भैया, रुक जा यार, चलो जी दवाई ले लें यहाँ से। तो गाइस ले, हेलो फ्रांस, फ्रांस थोड़ा कच्चा रह गया है, एक समोसा थोड़ा कच्चा रह गया। अरे एक मीम थी वो याद आ गई। तो गाइस ले ली दवाई, ये रही दवाई, और भाई अभी चल रहे हैं घर वापस, और ऐसा लग रहा ना कि मैंने 14 प्रो मैक्स पकड़ रखा, पर ऐसा नहीं है,
कवर लेने गए थे, कवर पहले ले रखा था, वो बचा हुआ। तो भाई ऐसा लग रहा था मैंने 14 प्रो मैक्स हाथ में पकड़ रखा हो, देख लो बाजी चल रही है, घर जा रहे हैं भाई। तो गाइस आ चुका है भाई घर पे और अभी थोड़ा बहुत करते हैं रेस्ट। तो हालत तो भाई थोड़ी सी ख़राब, और यार अभी बाइक का नंबर लगवाने जाना था, नंबर आ चुका, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि आज नहीं कल चलेंगे, कल सर्विस भी करा लेंगे। और अभी 440 किलोमीटर चली हुई है तो शाम तक 500 किलोमीटर भी चल जाएगी, तो उसके बाद सर्विस भी करा लेंगे, नंबर प्लेट लगा लेंगे, कल ही फिर अपना निकल जाऊँगा, कल फाइनल निकल जाऊँगा भाई। और मुश्किल है रुकना क्योंकि भाई दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कल निकल लेंगे ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। गाइस हम आ चुके हैं भाई अभी मार्केट, और ये क्या 4K में बन रही भाई वीडियो, 4K में मैं कह रहा, मैंने कहा एकदम से फिल्टर ऐसा क्या चेंज हो गया। अभी आए हम यार चार्जर वगैरह लेने फ़ोन का, और तो कुछ खाना पीने के लिए लेने, नमकीन बिस्किट, तो वो सब सामान लेने आए हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है भाई 8:30, और सब्जी कह रहा हूँ ये नमकीन बिस्किट ले लिए, और अभी भैया गए हैं मेडिकल स्टोर पे, ये रे वहाँ से ब्रश वगैरह लेना है और एक दो दवाई लेनी है, फिर चलते हैं भाई घर ठीक है। यानी 4K में क्यों बन रही वीडियो। तो गाइस आ चुके हैं भाई घर पे, और भाई यार लाइट में आज कैमरे में क्या हो गया। हाँ तो घर पे तो आ चुके हैं, और भाई खाना पीना भी खा लिया, और टाइम हो रहा है भाई 10:30। तो हाँ इस ब्लॉग को गाइस करते हैं पे एंड, और ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, कल तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो बाय। मैं मजाक करने बैठा हूँ, महाकाल का से दबा के लाकर सेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।